Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile. So, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस, ओके? सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड, ओके? सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटर्नशिप प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी टू प्रोवाइड पेड इंटर्नशिप टू यूथ एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एश्योर्ड प्रोजेक्ट लोन्स टू यंग कोऑपरेटर्स. कौन सी इंटर्नशिप प्रोग्राम यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने स्टार्ट की जो कि पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है यूथ को? सो हेयर आर द ऑप्शंस, सहकार मित्र, सहायता मित्र, देश मित्र, आकांक्षा. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज सहकार मित्र. यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड सहकार मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम टू प्रोवाइड पेड इंटर्नशिप टू यूथ एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एश्योर्ड प्रोजेक्ट लोन्स टू यंग कोऑपरेटर्स. ओके, सो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है सहकार मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि यूथ को पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाता है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन रेलवेज सेटिंग अप वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय रनिंग फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी इन विच स्टेट. भारतीय रेलवे पूरे दुनिया का रिकॉर्ड बनाना चाह रही है, सबसे पहला दुनिया में सबसे फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन स्टार्ट करके, तो ये किस स्टेट के टेरिटरी में होगा? सो हेयर आर द ऑप्शंस, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज गुजरात. रेलवेज क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड बेंचमार्क बाय सक्सेसफुली रनिंग फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट इलेक्ट्रीफाइड फ्रॉम पालनपुर एंड बोटाड स्टेशंस इन गुजरात. रेलवेज ने एक न्यू बनाई है पूरे दुनिया में सबसे पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन जो कि पालनपुर के गुजरात के पालनपुर और बोटाड स्टेशन से स्टार्ट होगी. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल हेड द कमिटी दैट हैज़ बीन सेट अप बाय ऑयल मिनिस्टर टू इंक्वायर इनटू असम ऑयल वेल डिज़ास्टर. असम ऑयल वेल डिज़ास्टर की तरफ से जो इंक्वायरी होने वाली है, तो उस कमिटी को ऑयल मिनिस्ट्री ने सेटअप किया है, वो कौन सी कमिटी इसे हेड करने वाली है? सो हेयर आर द ऑप्शंस, एस सी एल दास, विक्रम सिंह, संजय चतुर्वेदी, एस एच रहमान. ओके, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. द पेट्रोलियम मिनिस्टर हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ थ्री मेंबर हाई लेवल कमिटी टू इंक्वायर इनटू द ब्लो आउट एट एन ऑयल इंडिया लिमिटेड वेल इन असम एंड द सब्सिक्वेंट फायर दैट किल्ड टू फायर फाइटर्स एंड इंश्योर्ड एट लीस्ट वन. ओके, सो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने तीन मेंबर का हाई लेवल कमेटी स्टार्ट किया जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड असम में ब्लो आउट करने वाली है, जिनका पावर है कि वो दो फायर फाइटर को किल कर सकती है और एटलीस्ट एक को इंजर्ड. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिनेम्ड इट्स एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एज एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री. किस राज्य ने अपने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को रिनेम किया है एज इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री. सो हेयर आर द ऑप्शंस, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. अ वीक आफ्टर बींग हिट बाय साइक्लोन निसार्गा, महाराष्ट्र हैज रिनेम्ड इट्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एज एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री. साइक्लोन निसार्गा ने जब से महाराष्ट्र को हिट किया है, उसके एक हफ्ते बाद से ही इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री बना दिया गया. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड फॉर ओवरऑल रैंकिंग इन लिस्ट ऑफ इंडियन रैंकिंग्स 2020 फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ओके, सो कौन सी इंस्टीट्यूट है जो कि इंडियन रैंकिंग 2020 में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सबसे टॉप में आई है? सो हेयर आर द ऑप्शंस, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बैंगलोर एंड
IIM Ahmedabad. So here the correct answer is IIT Delhi. Union Minister for Human Resources Development Ramesh Pokhriyal Nishank virtually released Indian rankings 2020 for higher education institutions in New Delhi. Okay, Union Minister Human Resource K Development IIT Madras. Okay, a correct answer is IIT Madras. यूनियन मिनिस्टर जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने इंडियन रैंकिंग 2020 में बताया है कि सबसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सबसे बेस्ट कौन सी है, IIT मद्रास. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यूथ डायलॉग 2020 वॉज हेल्ड रिसेंटली. हाल ही में एशियन का यूथ डायलॉग 2020 का कौन सा एडिशन हुआ? So here are the options 3rd, 1st, 2nd and 4th. Okay, so here the correct answer is 3rd. The 3rd Indian-Asian Youth Dialogue 2020 was held virtually and focusing on coronavirus pandemic. Okay, world ka 3rd Asian hua Dialogue 2020 hua jo ki virtually held kya gaya coronavirus pandemic pe focus karte ho. So now next question, according to Messrs 2020, cost of living survey, which city has emerged as the most expensive city in the country for expatriates in the term of cost of living? So here the options are New Delhi, Lucknow, Chennai and Mumbai. Mercer 2020 cost of living survey ke according, kaun si city jo hai wo sabse expensive city ban ke saamne aayi hai? So here the correct answer is option D. Okay, Mumbai. According to Mercer's 2020 cost of living survey, India's financial capital Mumbai has emerged as the most expensive city in the country for expatriates in term of cost of living. Mumbai is the 60th most expensive city for expatriates globally, while it ranks 19th in Asia. Okay, so Mumbai jo hai wo 60th most expensive city hai puri duniya mein, aur India mein ye टॉप पे आता है मुंबई. ओके, भारत की फिनेंशियल कैपिटल मुंबई और एशिया में ये 19th रैंक पे आता है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट वाज इन्फ्यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इनटू IIFCL टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को और बूस्ट अप करने के लिए IIFCL में गवर्नमेंट ने कितने पैसे लगाए? सो हियर आर द ऑप्शंस, रुपीज़ 7634.95 करोड़, रुपीज़ 4563.90 करोड़, रुपीज़ 5500 करोड़, रुपीज़ 5297.60 करोड़. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 5297.60 करोड़. IIFCL इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंस कंपनी सेट द गवर्नमेंट इन्फ्यूज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5297.60 करोड़ इन द कंपनी ऑन मार्च 30. 30 मार्च को कंपनी में 5297.60 करोड़ का किया गया है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच एजेंसी मेंटेन इंडिया सोवरेन रेटिंग एट BBB विथ स्टेबल आउटलुक. स्टेबल आउटलुक के साथ हाल ही में एजेंसी में कौन सा, इंडिया में कौन सा सोवरेन रेटिंग किया गया? सो हियर आर द ऑप्शंस, BBB माइनस, AAA माइनस, BBB प्लस, AAA प्लस. सो हियर द करेक्ट आंसर इज BBB माइनस. S&P रिटेन इंडिया सोवरेन रेटिंग एट BBB minus with a stable outlook, saying that while risks to growth are rising, the economy and fiscal position will stabilize and begin to recover from 2021 onwards. Okay, उन्होंने कहा कि 2021 से economic condition सही होगा. So now next question and today's last question, who became the first woman to reach the ocean's deepest point? Ocean के deepest point में पहुंचने वाली first woman कौन है? So here are the options, Emma Watson, Patricia Smith, Suman Singh, Kathy Sullivan. So here the correct answer is Kathy Sullivan. The first American woman to walk in space achieves another record after 25 years, becoming the first woman to reach the ocean's deepest point. Okay, 25 साल बाद Kathy Sullivan जो कि first American woman है, उन्होंने record बनाया और वो ocean के सबसे deepest point पे गई. Okay, so दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं next video में. तब तक के लिए आप channel को subscribe ज़रूर कर देना. Okay, thank you. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.